सो वेलकम 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 अनदर वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कोई प्रमोशन नहीं है बट ये डिमोशन भी नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है पी एक्स एन का आर्किड कंट्रोलर सो आपको पता है अगर आप हमारा चैनल देखते हैं कि मेरे साथ खेलता है सानी जो कि मेरे जैसा नूबड़ा है और uh, मैं अपने जैसा हूँ। सो इसलिए सानी के साथ हम खेलेंगे इस कंट्रोलर से बट सानी को रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। सो so यहाँ पे हम देखते हैं अपना कंट्रोलर सो so, हम कहते हैं इस कंट्रोलर को दिखाया जाए दिखाइए सो so, ये देखिए ये डिब्बा है डिब्बे के अंदर है कंट्रोलर सो so यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स जो कि मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ लेकिन मैंने दोबारा पैक कर दिया था जैसे कि ऑलमोस्ट पहले पैक था सो so वीडियो में हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग यहाँ पे हम करते हैं इस तरह और ये साइड से हम ओपन कर रहे हैं अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड जो कि कुछ लोगों के बहानों की तरह फजूल है सो तो इसको हम कर देते हैं साइड पे और यहाँ पे हमारे पास पैकिंग है जो कि बड़ी ही मुनासिब सी है जिससे कंट्रोलर डैमेज नहीं होता सो तो इसको भी हम कर देते हैं साइड पे और अब हम निकाल लेते हैं अपना कंट्रोलर इसके साथ हमें ये मिलता है जो कि इसको सेफ़ रखने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये साइड से डैमेज ना हो और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलता है जो कि ये उन लोगों के लिए है जिनको लाइक खेलना नहीं आता और पहले उनको कंट्रोलर का ए बी सी डी नहीं पता या वो जुगाड़ी नहीं है हमारी तरह सो so, वो इसको पढ़ते हैं कि किस तरह हम इसके साथ खेल सकते हैं किस तरह हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह सो so, यहाँ पे देखिए ये है जी हमारा कंट्रोलर और इसको मैंने कर दिया है अन रैप 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 को भी कर देते हैं आप साइड पे नहीं थोड़ा और साइड पे ठीक है और कंट्रोलर के साथ हमें यू एस बी कनेक्टिंग केबल मिलती है ये तो बस सी नॉर्मल सी बात है लेकिन 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 रुकिए 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 इसको हम खोल ही लेते हैं ठीक है यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है लेंथ इसकी देख लीजिए अच्छी लेंथ है आई थिंक दो मीटर तो होगी दो मीटर के करीब इसकी लेंथ है आ, वायर की है। शो, में भी छः सात फुट भी कह सकते हैं आप इसको और यहाँ पे आ, जो कंट्रोलर है इसकी आ, फील जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है और इसकी जो आ, कह लें ओवरऑल लुक है वो भी आप देख लीजिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी बैक साइड से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टेबल ग्रिप है आ, जो कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक शीशे के टेबल है या कोई भी टेबल है यहाँ पे आप देखिए हम इसको इस तरह लगाएंगे तो ये देखिए ये ये वैक्यूम हो जाता है बड़े अच्छे तरीके से तो यहाँ पर जो मुझे सबसे इसकी मज़े की चीज़ लगी है जो सबसे गेमर्स के लिए वो क्या है वो है इसका ये स्टिक जिसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ ज़रा सुनिएगा मैं माइक के करीब करके सुनाऊँगा इसका जो मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छी फील दे रहा है बिकॉज़ गेमर्स uh, जब इसको खेलते हैं तो उनको एक अच्छी फील आना ज़रूरी है चाहे इसके बटन्स की बात करते हैं तो बटन इसमें अच्छे वाले लगे हैं मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन से बटन्स लगे हैं मैंने इसके अंदर खोल के नहीं देखा है इसके बटन्स को बट uh, इसके अंदर अच्छे बटन लगे हैं ये देखिए सुनिएगा अभी हमने जो सेट किया है वो हम जो बचपन में खेलते थे गेमर्स की तरह लेफ्ट पंच राइट पंच लेफ्ट लेग राइट लेग और इसको और नाम भी दे सकते हैं मुझे नहीं पता इसका और नाम भी होगा सो ये यह हमने यहाँ पे चार बटन मेन इस पर सेट किए थे पहले मैंने इस पर किए थे पर इस पर खेला नहीं जाता था हाथ अटकता था फिर इसी पे कर लिए जिसपे वो डिफ़ॉल्ट सेट थे डिफ़ॉल्ट में ये इधर उधर होता है लेकिन हम अपनी मर्जी से उसको इधर उधर कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा हाथ सेट है सो so, uh, यहाँ पे देखिए टर्बो का बटन है मैक्रो का बटन है मुझे नहीं पता ये क्यों यूज़ होते हैं कभी किए नहीं है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बटन है वो ये है जो कि जो लोग uh, ये वाला कंट्रोलर ये वाला कंट्रोलर टेकन सेवन पे लगा के खेलते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हमें मोड के बटन से लाइट ऑन करनी पड़ती है इसका पर्पज़ क्या होता है इससे मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है आ, लेकिन ये ऑन करेंगे तो ही ये चलता है इसी तरह ये प्लस है और ये नीचे कुछ बना हुआ है पता नहीं किस चीज़ का साइन बना हुआ है पर यहाँ पे ये नहीं चलता आई थिंक ये प्ले स्टेशन के लिए होगा ये वाला जो नीचे वाला है ना और यहाँ पे ये पीसी के लिए तो हम प्लस पे लेके जाते हैं तब ही ये हमारे पीसी के साथ कॉम्पैटेबल हो जाता है यहाँ पे होम का बटन है जो कि होम इसका अपना होम है यानी पी एक्स एन का जो होम की सारी सेटिंग्स आती हैं अगर आपके पास ड्राइवर्स होंगे तो पी एक्स एन के जो के और किसी भी कंट्रोलर के साथ आते हैं इसकी ऑफिशियल वे वेबसाइट पे इसके ड्राइवर्स नहीं हैं ये जस्ट प्लग एंड प्ले है और यहाँ पे शेयर का बटन है स्क्रीनशॉट वग़ैरह आपने लेना हो ऑप्शन है ऑप्शन का बटन यूज़ होता है हम टेकन जब खेलते हैं उसमें हम आ, कोई भी पॉज करना है अपने या अपने ज्वाइन uh, करना है तो साइट सेलेक्ट करनी है उसके लिए ये बटन यूज़ होता है ये दो बटन है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए टेकन में एज आई रिमेंबर और यहाँ पे अगर आप इसके साथ भी कोई कंट्रोलर अटैच करना चाहते हैं तो इसके साथ भी आप कंट्रोलर अटैच कर सकते हैं ये इसमें एक यूएसबी uh, की ऑप्शन है यूएसबी केबल की अटैचमेंट की और ये था हमारा एक पी एक्स एन के कंट्रोलर का रिव्यू कह लें अनबॉक्सिंग कह लें या मेरा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी एक दफ़ा इसे यूज़ किया था और आने वाली जो आर्केड गेम्स हमारी होंगी उम्मीदन वो इसी पे होंगी अभी फ़िलहाल मैंने एक लिया है बिकॉज़ मैं इसको चेक करना चाहता हूँ इसके आ, मजीद इसके बारे में समझना चाहता हूँ और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम एक से बढ़ा के सानी को भी ये कंट्रोलर दे देंगे असल में मसला ये है कि मेरे साथ जो मेरा प्लेयर है जो मेरे साथ बैठ के खेलता है उस बेचारे को इस पर खेलना नहीं आता आ, वो इसके साथ कम्फर्ट कम्फर्टेबल नहीं होता बटन उसके साथ ना उसको उंगलियों में थोड़ी प्रॉब्लम है उसके बेचारे के नहीं उंगलियाँ चलाने में प्रॉब्लम है ठीक है सो इसलिए थोड़ा सा जो है ना आ, वो 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 समझ रहे हैं आप चले खैर सो uh, so ये कंट्रोलर uh, हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मज़े की है लेदर ग्रिप यहाँ पे लगी हुई है इसके ऊपर लेदर लगा हुआ है पता नहीं गोट है क्या काऊआ है कि पता नहीं कौन सा लेदर है लेकिन है मज़े का यहाँ पे हम इस तरह इसको करके खेलते हैं ना ये देख तो ये ये ग्रिप अच्छी कर लेता है सो so इसी तरीके से मैं आपके लिए और गेमिंग एकमेंट्स के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियोज़ लेके आऊँगा अगर आप देखना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा अगर आप ना देखना चाहें मैं फिर भी लेके आऊँगा बिकॉज़ मुझे गेमिंग एक्सेसरीज़ के हवाले से काफ़ी शौक है इसके अलावा मैं अपने पीसी बिल्ड की वीडियो बना नहीं सका था एक्चुअली उस टाइम मैंने खुद पीसी बिल्ड किया था तो इसलिए मैं थोड़ा पैनिक हुआ हुआ था इसलिए मैंने अपना पीसी जो है वो उसकी वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम उसके लिए सॉरी लेकिन मैं आपको अपना पीसी का जो सामान है वो दिखाऊंगा उसमें मैंने क्या क्या लगाया है वो दिखाऊंगा और किस पीसी से मैं किस पीसी पे आया था वो भी दिखाऊंगा अगर आप देखना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह देखते रहिए जिंगलिंग यूट्यूब चैनल की वीडियोस और मेरा नाम है असद मगर सो सी यू नेक्स्ट वीडियो तखलिया